जैसे इनका नाम संपत पारिक है, ये सोनापुर से आए थे और 1.5 साल पहले इनकी कंडीशन बिल्कुल ख़राब थी। यहाँ पे जब सर के पास लेके आए थे तो ये व्हील चेयर पर बैठा के लेके आना पड़ा था और चलने के बिल्कुल भी काबिल नहीं थे। अब आज 1.5 साल से मतलब सर का पूरा ट्रीटमेंट लेने के बाद में इनकी कंडीशन में बेहतरीन सुधार कह सकते हैं और अभी ये मतलब काफ़ी चलने में भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं और अभी तक ट्रीटमेंट मतलब सर की तरफ से इनका जारी है और हो सकता है भविष्य में मतलब कि इनका और भी मतलब कि बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट चला के मतलब कि और भी बेहतरीन तरीके से इनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा और कहने का मतलब कि सर ने जो किया बहुत अच्छा किया इनके लिए। कितना है पेशेंट का एज? सर पेशेंट का एज 40 के समथिंग होगा। अच्छा, क्या हुआ था प्रॉब्लम? सर इनका मतलब कि जो स्पाइन में ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम थी, टीबी बोलते हैं, और अभी मतलब कि उस टाइम तो मतलब इनकी कंडीशन बहुत ही खराब थी, व्हीलचेयर में आए थे ना, व्हीलचेयर में आए थे, लेकिन अभी जो आज के 1.5 साल पहले जो टाइम था उसको जब आज के टाइम को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी इनकी मतलब की जो पोजीशन है उनमें मतलब कि 90% से भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं। ठीक है, बोले बोले। जो ये आए थे जिस कंडीशन में, उस कंडीशन में 90% या 90 से भी बहुत ज़्यादा सुधार है, उसके लिए सर को थैंक्स बोल रहे हैं। बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट चला है। आप कुछ बोलोगे? हाँ, मैं अच्छा ही हूँ, अच्छा हूँ, पहले से बहुत अच्छा, पहले जैसा अच्छा, पहले जैसा अच्छा। तो हमारा पेशेंट संपत पारिक, इनका ट्यूबरकुलोसिस था, एल्फा वेसन स्पॉन्डिलोलिस करतेस, तो काफ़ी बुरी कंडीशन में थे। उस कंडीशन में एक्चुअली क्या कि सर्जरी भी कर सकते हैं या दवाई। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि दवाई का भी बहुत अच्छा रोल है टीबी के स्पाइन में। ये हमेशा सर्जरी या कोई आर्थिक अवस्था के कारण सर्जरी नहीं कर पाता है या कोई मतलब उसका मेडिकल कंडीशन इतना सही नहीं होता, तो हमारे डॉक्टर टुली साहब थे जो बहुत नामी है, उनका मिडिल पाथ रेजिमेंट था, उस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट किया गया, तो कम्प्लीटली इनको मेडिसिन के द्वारा ठीक किया गया। और हमने इनको सरकारी में भी भेजा था, फिर सरकारी में मतलब एज यूजुअल जैसे सरकारी में प्रॉब्लम होता है कि वो सोच वो सुनवाई नहीं होती, तो उन्होंने सारा दवाई खाया। तो सरकारी में जनरली 9 महीने तक देते हैं, हम लोग जो है प्रेफर करते हैं 18 मंथ्स यानी 1.5 साल, और 1.5 साल के बाद अभी काफ़ी उनका इम्प्रूवमेंट है। अभी हम लोग कुछ छोटे मोटे 2 टेस्ट करके अगर ओके होता है तो हम उनकी दवाई बंद कर देंगे, और थोड़ा बहुत 19-20 रहता है जो नॉर्मल स्पाइन तो ऐसा होता नहीं है, फिर भी मतलब फॉर इफेक्टिव पर्पस 99% ही इज़ ओके। धन्यवाद, थैंक यू।